गौरीघाट थाना अंतर्गत गत रात जहां दो युवक एशिया कप क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वहीं आज फिर गौरीघाट स्थित वैशाली नगर में एक सट्टेबाज को समय दबोच लिया जब सट्टेबाज किराए का मकान लेकर सट्टेबाजी का काम कर रहा था। पुलिस ने जब उसे दबोचा तो वह अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गौरीघाट थाना प्रभारी नेहरू सिंह खंडाते ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि वैशाली नगर में क्रिकेट के सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए स्थान पर जब दबिश दी तो जसपाल रावलानी नामक युवक क्रिकेट के सट्टे को लगाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह सनी खत्री से लाइन लेकर क्रिकेट का सट्टा खिला रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19,500 रुपए भी बरामद किए, वहीं उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है जिससे वह सट्टा खिला रहा था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कार्रवाई हुई है सर, हाँ, कल रात्रि में श्रीलंका में एशिया कप बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। मुखबिर ने सूचना दिया कि वैशाली नगर में वारीघाट थाना अंतर्गत पड़ता वैशाली नगर, तो वहाँ पर क्रिकेट सट्टा की सूचना मिली थी। हमारा स्टाफ के मुखबिर की सूचना के मुताबिक वैशाली नगर जाकर रेड कार्रवाई की हमारा स्टाफ के लेकर, तो जसपाल रावलानी करके लड़का मिला जिससे पूछताछ की जो सट्टा कबूल खेलना कबूल किया, जिसके कब्जे से 19,500 रुपये मिला एवं मोबाइल मिला। उसने बताया कि शनि खत्री के आईडी XXXExchange.com आईडी से सट्टा खिलाना कबूल किया। जो शनि खत्री फरार है उसको उसकी तलाश कर रहे हैं और इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, विवेचना की जा रही है। आरोप पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, अभी ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, पर हमको उनका रिकॉर्ड भी पुराना रिकॉर्ड भी तलाश रहे हैं, देखा जा रहा है और अन्य थानों से भी मंगवाया जाएगा इसका अपराधी रिकॉर्ड। हाँ, सट्टे की कार्रवाई हुई है। श्रीलंका में एशिया कप क्रिकेट मैच चल रहा है, कल 3/9/23 को अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। इस पर ऐसी मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वैशाली नगर में गोरखपुर निवासी जयपाल रावलानी करके व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना के मुताबिक मौके पर जाकर हमारा स्टाफ के रेड कार्रवाई किया गया, पूछताछ अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, उसने सट्टा खिलाना कबूल किया जिसके कब्जे से 19,500 रुपये एवं एक मोबाइल मिला। उसने यह भी बताया कि शनि खत्री की तरफ से उसके आईडी में, जो आईडी का नाम है XXXExchange.com, उसके आईडी में सट्टा खिलाने की बात कहा है। जो शनि फरार है जयपाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और इसकी कार्रवाई और विवेचना की जा रही है। पुराना रिकॉर्ड तलाश कर रहे हैं थानों से और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, गोरखपुर का मूल निवासी है, गोरखपुर से भी हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विवेचना ये तो कल ही और उसकी सूचना मिली थी जो हमने रेड किया है।